वेलकम टू पटनायक एजुकेशन पे समस्त पटनायक एजुकेशन रही मैथमेटिक्स क्लास को स्वागत जो थे कि आम परसेंटेज जो भी आम कनसेप्ट रहा आर एम सिक्यूज सबूगुड़ी आम डिस्कसन करवा क्लास सबूगुड़ सिलेक्टेड क्वेश्चन तुमने नहीं परसेंटेज रईज परसेंटेज फल सबकि आज क्लास डिस्कसन करवा जोटा कि बहुत बेनिफिट तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम तेणु क्लास शेष पर्यंत समस्त रहा सब क्वेश्चन जो भाया भी क्वेश्चन आम एग्जाम देखा पाचे से ही भाया क्वेश्चन आम सब डिस्कसन करवा आउ जहाँ भी रहा सबकि बढ़िया भाव बुझा आ सबकि ट्रिक्स रहित बुझा ट्रिक्स तुमको कहीदेवी एग्जाम मात्र 10 सेकेंड में क्वेश्चन तुम सल्व हो ठीक अच्छे तो परसेंटेज आरंभ करवा आगे टे कनसेप्ट पढ़ी नाप आम आरंभ करवा परसेंटेज एम सी क्यू तो ये परसेंटेज मैंने आम ओडिया जाणी चाहे कौन कहे ना प्रतिशत जो प्रतिशत आम कहूनी प्रतिशत सेटा है कौन ना परसेंटेज प्रतिशत ठीक अच्छे तो ये प्रतिशत आमर है परसेंट आम या कहे परसेंट परसेंट रु आसी परसेंटेज ये परसेंट ये दुटा वार्ड गोटे कौन ना गोटे पर गोटे सेंट तो ये परटा आम कहे पर मान कौन ना पर मैंने डिवाइड डिवाइड जोटा आम कौन कौचे और ये जो चिन्हटा दे दूचे ये कौन ना पर आउ सेंट सेंट मान तो तुम जान सेंट मान कौन ना हंड्रेड हंड्रेड मान कौन सेंट बा हंड्रेड हंड्रेड और वन हंड्रेड यहाँ आम सेंट कहे हाँ ना नहीं तो ये जो परसेंटेज आम है दुट वार्ड पर आउ सेंट को नहीं गठित पर है डिवाइड सेंट है हंड्रेड बुझिपाल ये परसेंटेजा आपको आम कम डिनोट्स करूँ ना यही परसेंटेज यही भाया चिन्ह जोटा ये है परसेंटेज ता मैंने कौन ना वन बाय शहे जोटि भी तुम परसेंटेज देने सहित वन बाय वन हंड्रेड मल्टीप्लाई बुझिपाल जमीक ये धरी ना जो गोटे एग्जाम्पल नहीं कि देखीद जो आम कहे से ठीक ना आम कहे 50% ये जो 50% पचास प्रतिशत ताने 50 गुणन वन बै वन हंड्रेड ता मैंने के पचास बै शहे ताने वन बै टू बा हाफ गोटे जिनसर अधाटा को आम कहे 50% ताने गोटे धरीन तुम गोटे पिज्जा टाइम आनल ये धरीन गोटे पिज्जा तो ये पिज्जार तुम कह मत सार कौन करूँ ना आप मत 50% दे दिखुं ये जो 50% कहल ताने अधा देदेवि यही टोटाल पिज्जा ठार् अधा देदेवि टोटाल यो पिज्जाटा देदेली तार अधा देदेली मानने 100% 100 भाग है पिज्जाटा ता दूर 50 देदेली हाफ देदेली वन बै टू यही जिनसा कहले आम परसेंटेज बुझिपाल किंबा यही आम कह ना 25% आप सारे मत कौन करूँ 25% दे दिंतु ताने 25% ताने 25 बाय वन बै वन हंड्रेड ताने 25 बाय शहे ताने पिज्जा टू आप चारि भाग रु भाग्य मत दिंतु ये पिज्जाटा को चारि भाग कर दिंतु तादूर ये भागटा मत दिंतु मत यहाँ आम चारि भाग रु ये गोटे भाग बुझिपाल ये परसेंटेज आम कहे गोटे जिनस परसेंटेज मैंने तादूर किसी पर्सन आम शहे रु के भाग आम जो कहे शहे रु के परसेंटेज मैंने कौन ना शहे रु के जो जिनसा ठीक अच्छे तो नेक्स्ट आम देखा ये परसेंटेज आम आम रहा केमी तुम परसेंटेज रु फ्राक्शन को कन्वर्ट कर परसेंटेज रु फ्राक्शन फ्राक्शन मैंने कौन ना जो जिनसटा आम परसेंटेज रखिले एक्स परसेंटेज यहाँ है कौन ना परसेंटेज फ्राक्शन को गुटाक ना धरीन एक्स बै वाई यहाँ है फ्राक्शन एक्स बै वाई गोटे जिनस मझे जो गोटा ये फ्राक्शन तेने परसेंटेज रु फ्राक्शन आम कम कन्वर्ट करवा धरीन पूर्व आम कहे 50% तुमको देखे टी पूर्व 50% ताने कौन ना 50 इंटु वन बै वन हंड्रेड ताने 50 बाय शहे ये सुनु तो 50 बाय शहे आम कहीपर वन बै टू यहाँ गोटे फ्राक्शन यहाँ गोटे फ्राक्शन ना नहीं ऑब्वियसली फ्राक्शन सेमती धरीन आम कह 60% जे 60% मत गोटे जिन 60% धरीन तो 60 गुणन 60 गुणन ये आम कौन है ना वन बै शहे वन बै शहे कथा ये आम उठी ये 60 नुह ये 100 वन बै आम वन हंड्रेड हाँ गोटे सेकेंड 60 इंटु वन बै वन हंड्रेड ताने 60 बै वन हंड्रेड ताने 20 काट दौ 20 तीस 60 20 50 100 ताने 3/5 टा है कौन ना तार फ्राक्शन बा भग्नांश जोटा आम पूरा ओडिया कौन ना भग्नांश जोटा कौचे बुझीगला ओके नेक्स्ट आम देखा कौन ये तुमको टी गोटे नोट करने कि ये लिखिद पे तुमको गोटे ब्राकेट तुम गोटे करके लिखिद तो यही जो जिनसा तुमको दे तो मन रखी था जो परसेंटेज रु कन्वर्ट करने कौन ना फ्राक्शन को दबो
सदाबेल कि केते मल्टीप्लाई कर ना वन बाय वन हंड्रेड मल्टीप्लाई कर एक्स रे एक्स जगह जो भी परसेंटेज थी तादर वन बाय वन हंड्रेड मल्टीप्लाई कर गुणन कर बुझिपार एतिक ही मन रख कि ना परसेंटेज रु फ्राक्शन इजिली तुम कन्वर्ट हो। ओके नेक्स्ट देखा कौन फ्राक्शन टू परसेंटेज ये जो फ्राक्शन रहा फ्राक्शन रू कमी परसेंटेज करवा धरनीय पूर्व आम पढ़ले जोटाक जे वन बाय टू यहाँ गोटे फ्राक्शन एक्जामपल नहीं देखीद वन बाय टू टा के परसेंटेज हम ताने ये कौन करवा वन बाय टू इंटु वन हंड्रेड ताने के शहे बाय टू इक्वाल्स टू फिफ्टी परसेंटेज सेमती टिके पूर्व आउ गोटे कौन पढ़ले ना थ्री बाय फाइव जो पढ़ले केते परसेंट है ना थ्री बाय फाइव इंटु वन हंड्रेड ताने के तीन शह बाय पांच केनिश को पाँच हरीदे षाठी सिक्सटी परसेंट तो यही जो जिनसा आम कौन कले ना ये गुणीदे शहे तो सदावे कि पाने ये मन रखि यहीटा भी तुमको गोटे स्क्वायर करके तुमको दे दूँ ये सब नोट करनब जो आम फ्राक्शन परसेंटेज को कन्वर्ट करवा सेतोले वन बाय एक्स नुह केवल वन हंड्रेड ही मल्टीप्लाय हम एति मन रख एक्स केवल वन हंड्रेड मल्टीप्लाय हम कितु जिते तुम परसेंटेज रु फ्राक्शन कर सेठी सदाड़ पाई कि वन बाय वन हंड्रेड मल्टीप्लाय हम आ भितर टी डिफरेन्सटा बुझीज ठीक अच्छे। ओके ये दुटा है तार सर्ट ट्रिक्स तुमको कहीदेली सर्ट सर्ट ट्रिक्स। ओके यहाँ गोटे सर्ट ट्रिक्स यहाँ गोटे सर्ट ट्रिक्स दीटा सर्ट ट्रिक्स गल एवं नेक्स्ट आम जा कौन ना तुमको नेक्स्ट आम गोटे जिनस पढ़ा जे आम एक क्वेश्चन गोटे नहीं कि तुमको मुझे कहीदे तुम नेक्स्ट कनसेप्ट को जी तो क्वेश्चन टे गोटे लिखिक देखिए आम एमसीक्यूज करवा क्वेश्चन टा यह है ह्वाट परसेंटेज अफ ह्वाट परसेंटेज अफ फोर्टी इज टेन मान दसटा आमर चालीस रते परसेंटेज अफ फोर्टी तो ये गोटे पे गोटे कथा कहे मन रखि जो भी अफ जो जगार लगे ये जो अफ्टा लगे कि जोटि भी लगे मन रखी था सदा कि तौक नहीं आसो एक्स बाय ये तौक नहीं आसो अफ्टा है यहाँ ही करें जे आमको देदेला के दसटा चालीस रते परसेंट दसटा ताने ऊपर आम दस अफ्टा तो मुझे टिके पूर्व कहली जे ये मन रखी था चालीसटा ये रोज है ये जगह चालीसटा रोज है इंटु आम कौन पचार परसेंटेज रे कन्वर्ट करवा यहाँ आम फ्राक्शन होगा यहीटा जो आम सल्व कले दसटा चालीस रे चालीस बाय दस यही भाया रहे ना ना तुमको जो एग्जाम कह हुए जो शहे रु नाइंटी नाइन रखिली ताने जिते रु रखिली अफ जो लगला से तुम तले रही ना ना तो से हिसाब से मन रखे जमी मार्क दिखाई से हिसाब से मन रख मन रही तो ये टेन बाय फोर्टी रहा आम कमी पढ़ी ना जिते आम टी पूर्व तुमको कहली जे फ्राक्शन रु परसेंटेज जिते कन्वर्ट करवा इंटु कौन ना इंटु वन हंड्रेड करवा यार टी पूर्व कहल ना ना जे एक्स रे वन हंड्रेड मल्टीप्लाई करवा ताने हंड्रेड एटी गुणीदे ताने कौन एटी देख वन थाउजेंड बाय फोर्टी है तो ये जो फोर्टीटा है के हंड्रेड बाय फोर ताने ट्वेंटी फाइव परसेंटेज परसेंटेज हिसाब से पचिश परसेंट जे आम मैंने जाने जे चालीस दसटा के परसेंट ना मानते दसटा चालीस रते परसेंट ना पचिश परसेंट ये आम जानचे ना ना। ओके यहाँ बुझे तो ये तुमको ये गोटे सर्ट ट्रिक्स कहीदेली जे जो जगार अफ लगी सदाला कि जो जगार भी अफ लगी सदाला मन रखी अफ्टा कौटी ना तले रदाला कि यहाँ गोटे सर्ट ट्रिक यहाँ टी मन रखी यही हिं तुम कन्फ्यूजन हम यही जगह मन रखा जो भी अफ दे सेटा को तले रखिद अफ्टा को सदा कि तुलन तले रखिद ठीक अच्छे। ओके नेक्स्ट आम देखा आउ गोटे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम यह देला आउ गोटे क्वेश्चन ले जाओ देन आउ गोटे कनसेप्ट को आम पढ़ा जो ये रहा जदि धरनी इफ इफ एक्स इज 80% अफ वाई 80% अफ वाई देन पचारा जे व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई ताने क्वेश्चन टाइम था जे एक्स वैल्यू केते ना 80% वाई रो वाई रो 80% ताने जे केते परसेंट वाई रो कौन ना एक्सटा एटी कहला कौन ना एक्स वैल्यू कहला
परोटा रे पचार देला जे y टा केते परसेंट x रो एटा ही पचार छे ता माने एटी आमे धरि नबा आंसर टा केमती हो ना आगो आकु सॉल्व कर दबा ए पार्ट टा को आगो सॉल्व करो कोन दे छी ना x टा केते हला ना y रो 80% y रो 80% बुझिया पेंगे पिला टिके लेंदी करू छी एटा को शॉर्ट रे गुट्टे धाड़ रे बाहर कर परबो ता माने हमर y इनटू परसेंटेज माने कहि छी 80 बाय 100 कारण कोन ना 17 पे परसेंटेज कहि छी गुणी दबो केते ना 1 बाय 100 गुणी दबो हे गला ता माने हमें ये जानी गले कौन ना इक्वेशन पाई गले x इक्वल्स टू y इनटू 80 बाय 100 ता माने हमको कहि छी कौन ना ऑफ x ऑफ ता x ता तळे रहइबो ता माने एटा एकुर कासिबो एटा सेकुर बुझिबो ता माने y बाय x केते हेबो y बाय x इक्वल्स टू केते हमरो ना 100 बाय 80 या ना नहीं 20 रे काटि दियो 20 50 100 20 84 माने 5 बाय 4 एटा कोन ना फ्रैक्शन परसेंटेज रे केमती कन्वर्ट करबा इनटू 100 ता माने एठी 25 रे कटि जइबो 25 400 25 50 125 परसेंटेज ता माने y रो केते परसेंट हला कोन ना y हला y इज 125 परसेंट ऑफ x एसो नो तो y टा मन रखिताओ y इज 125 परसेंटेज ऑफ x बुझी पालो एइट जो कहले ये तमर हला कोन ना आउ गोटे प्रकार क्वेश्चन बेले बेले आउ गोटे प्रकार भी पिला माने क्वेश्चन देखि दिबो एमती तमु क्वेश्चन ता दे दिए जे पी परसेंटेज ए पी किमा एक्स रे दे दिए पी परसेंटेज ऑफ पी इज 49 हला ता माने पी रो वैल्यू टा केते पछा दबो एमती एठी केमती करिवो ना एठी मन रखि दा सॉरी पी परसेंटेज ता माने ना पी परसेंटेज जो पछा देला पी रो ऑफ पी p रो p परसेंटेज माने p बाय 100 या ना नहीं इक्वल्स टू केते ना 49 ता माने केते हे गला ना p स्क्वायर बाय 100 इक्वल्स टू 49 ता माने p स्क्वायर ता खाली हबो केते ना 49 डबल 0 गुणी आइ जइबो एठी गुणा आइ जइबो ना नहीं ता माने एठी केते p केते ना 4900 रो स्क्वायर ता माने केते ना 70 एटा हबो आंसर 70 हला कोन ना पी रो वैल्यू हला पी परसेंटेज ऑफ पी इज 49 पी इक्वल्स टू 70 हला बुझी पालो 70 केमती भाल ए बेजी बा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन की परसेंटेज राइज नेक्स्ट कांसेप्ट क्वेश्चन कहले नेक्स्ट कांसेप्ट परसेंटेज राइज तो परसेंटेज राइज जो हला परसेंटेज ता जो बढी जाय देखिथिबो जे 3 परसेंट अधिक धरि नियो जे 40 रो 40 रो 60 टा केते परसेंट अधिक एई क्वेश्चन ता नेके देखिथबा जे क्वेश्चन टा नै होले मु भाबु छी एटा तुम बेटर भाबे बुझि पारिबो जे व्हाट परसेंटेज 60 60 को धरि नबा 60 इज मोर देन 40 जे 40 थारु 60 टा केते अधिका 40 थारु 60 टा केते अधिका इटी पछार छी एटा कोन ना परसेंटेज राइज हमर होई छी जे 40 रु 60 टा केते अधिका ता माने आमे कोन एटी बुझी गले ना आगमर 40 टा बढी जाई कि केते हे जाई छी ना 60 हे जाई छी बढी जाई छी केते बढी जाई छी ना प्लस 20 बढी जाई छी 20 बढी जाई छी ता माने मन रखि दबो जति कि बढी थिबो सेईटा सदाळ पे कि ऊपर रखि दबो 20 बाय केते रु बढी छी ऑफ केते ना 40 रु 40 रु बढी छी इनटू आमे कहि छी हमकू कोन ना परसेंटेज रे एटा त फ्रैक्शन आसी गला फ्रैक्शन नु परसेंटेज को केमती कन्वर्ट करिवो ना 100 मल्टीप्लाई करिवो सर तो 80 काटि दियो केते होला ना 2 हमरो 200 बाय 4 केते ना 50% त माने 40 टा 60 हे जाई छी माने 80 केते ना 50% रो इंक्रीमेंट हे छी बुझी पालो परसेंटेज राइज केमिति करा जाय तो एई जो जिंसडा तमरा बढी गला सेईटा को ही ऊपर रखिबो जति कि रु बढी थिबो सेईटा को मन रखिताओ सदाळ पें कि तळे रखिबो इनटू जदि परसेंटेज रे पचार छी डायरेक्ट एई भलिया इनटू 100 करकी भाग कर दो बुझी पालो नेक्स्ट जीबा एबे आसला कोन ना परसेंटेज फॉल तो जो परसेंटेज फॉल ल भी गोटे क्वेश्चन ने कि हमें सॉल्व कर दबा क्वेश्चन ने कि सॉल्व कला को हमें जल्दी बुझी परबा आ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हमर हो जइबो जे क्वेश्चन ता या हला जे व्हाट व्हाट परसेंटेज 40 इज लेस देन 60 जे तमु क्वेश्चन एया पचाला जे 60 रु 40 ता केते परसेंट हमर कम हैला लेस देछि कम केते परसेंट 60 रु 40 ता माने हम कहली केते रु कमी छि ना 60 टा हमर रहि छि
ଷାଠିଏ ରୁ କମିକି 40 ହେଇଯାଇଛି, ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଗଲା କେତେ କମିଗଲା ନା, ଏଠି ମାଇନସ ଆମର 20 କମିଗଲା, 20 କମିଗଲା ଏଠି। ତାମାନେ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା, ଯେତିକି କମିଛି ଆଗ ଉପରେ ରଖିଦେବ, କହିଛି ତମକୁ ବଢ଼ିଲା କି କମିଲା ସେଇଟାକୁ ରଖିଦେବ ଉପରେ। କେତେ ରୁ କମିଲା ନା 60 ରୁ ସାର କମିଗଲା, ତାମାନେ 60 ଇନ୍ଟୁ କେତେ ନା ଇନ୍ଟୁ 100। ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା ନା, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଟୁ 100 ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି କେତେ ପାଇଗଲେ ନା, ଏଇଠି କାଟିଦିଅ, 6ରେ 0 କଟିଗଲା, 200/6 ତା ମାନେ 33.33 ନୁହଁ, ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବା। ଏତିକି ହେଲା କ'ଣ ନା, ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଲେସ୍ ହେଲା, ଏଇଆ ହେଇଗଲା। କିମ୍ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 33.33 ବି ଲେଖିପାରିବା, କିମ୍ବା 33.33 ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଲେସ୍ ଆସିଗଲା ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଫଲ୍ କେମିତି ହେଲା, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରାଇଜ୍ ବି କେମିତି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ଏଇଠି ତମେମାନେ କେବଳ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେତିକି ବଢ଼ିଲା କିମ୍ବା କମିଲା ସେଇଟାକୁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଉପରେ ରଖିବ, ଯେତିକି ରୁ ବଢ଼ିଲା ସେଇଟାକୁ ତଳେ ରଖିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ 100। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା, ଆମର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଡିକ୍ରିଜ୍, ଯେ ଥରେ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଲା ବା କମିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେ ଥରେ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲା କି କମିଗଲା କ'ଣ କରିବା। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଧରିନିଅ ଦେଇଦେଲା ଯେ 20% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 100, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 100 ଏଇଆ ଦେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେ କ'ଣ ନା 120%ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ହେଠି ଭାବନି ଯେ 120% ବଢ଼ିଛି, ତା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ କେତେ ର ମାନେ 20%ଟା 100ର ଯେଉଁ ହେଇଛି 100 ପରେ ଆମର ବଢ଼ିଛି ଏସନ। ତା ମାନେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା, 100ର 20%, 100ର 20% ମାନେ 20/100, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କହିଛି ନା 1/100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ। ତା ମାନେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା ନା, ଏଇ 100କୁ 100 କଟିଗଲା, ତା ମାନେ ଆମର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଗଲା କେତେ ନା 20। ଏ 20ଟା କ'ଣ ନା, 20ଟା ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 100ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 20% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ ନା, ଆମର 100 ମିଶେଇଦେବା 100ରେ, ଯଦି 20% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଟଙ୍କା କେତେ ନା, 120 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଏଇ 100ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତମେ ଭାବିବ, ଯେ ଏ 100ଟା ହେଲା ଆମର 100 ବା, 100 ଟଙ୍କାର 20% ଇନକ୍ରିଜ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ନା, 120 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିବି 100 ଟଙ୍କାଟା 50% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ନା, 150 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଯେ ବଢ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ିବା, ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ହେଲା, ତ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଏଇଠି ରହିଥା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏବେ ଆସିବା କ'ଣ ନା, ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତମର ଏଇଆ ଦେଲା ଏଇଠି, ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଧରିନିଅ ଏଇଠି ଯେ 40% 40% ଡିକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ 100, ଡିକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ 100 ଏଇଆ ତମକୁ ଦେଇଦେଲା। ଯେ 40% 100ର 100% କହିଲି, 100% ଏଠି ପିଲାମାନେ ହେବନି, 100 ହେବ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଲେଖିଦେଲି। 40% ଡିକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ 100, ଯେ ଯେ 100ରୁ ଆମେ 40% କମେଇଦେବା କେତେ ହେବ, ତା ମାନେ 100ର 40% କେତେ, 100ର 40% କେତେ ନା, ଆମର 40 ଆମେ କହିଲେ କମେଇଦେବା, ତା ମାନେ 100ରୁ 40 ଫେଡ଼ିଦେବା, ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ଆମର 60 ହେଇଯିବ। ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା, 60। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆମର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଠି ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ରହିଲା କି, କିମ୍ବା ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଏଇଠି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି କରିବ ଦେଖ, କହିବ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବୁ, ତା ମାନେ ତୁମେ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା, 100 + 100 ଇନ୍ଟୁ 20/100, ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ଟା ରହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ହିଁ ପୁଟ୍ କରିଦେଲ, ଏଇଟା ତାର ଆଉଟ ବାହାରେ ରହିଲା, ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ନେଇ କରିବ ନା, ତା ମାନେ 100 + ଇଏ କାଟି କାଟି ଗଲେ 20 ହେଇଯିବ, 100 + 20 = 120 ପାଇଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ପାଇଁକି ତମକୁ 2-3 ଲାଇନ୍ ଲେଖିଦେଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବ, ଇଜିଲି କରିପାରିବ, କିଛି ବି ଆଧାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ତମେମାନେ ଆଧାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ତମକୁ ହେବ। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଯେ ତମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କହିଦେଲି ଧର 100%, ଏଇ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍କୁ ତମେ ଡେସିମାଲରେ ଯେଉଁ ବି ଆମର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ କେମିତି ଯେଉଁ କନଭର୍ଟ କଲେ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସେ। ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ତମକୁ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ରେ, ତମକୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଦେବି ତମକୁ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ଦେଇ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଏଇ ଗୋଟାକ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ 83.33 5/6 ତାର କେମିତି ଲେଖିଦେଲେ, ଗୋଟେ ପିଲା ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା, ତ କେମିତି ଲେଖିଦେଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯେ 1% ଯିଏ 1/100, 2% ଯିଏ 1/150,
वन बाय फिफ्टी फोर फोर सेमती जे ये जो गुड़ाक जमी रहा ए टेबुलटा टी तुम मैंने खाली मन रखीदेव यो टेबुल रहा केते भैल्यू केते हम एति मन रख तुम एग्जाम जो आसना योटी परसेंटेज देव डायरेक्ट यही फ्राक्शन पकई करके गोटे सेकेंड में तुम भैल्यू बाहर की थी जमी आम वन फिफ्टी परसेंटेज ये सब केमती है मुझे एवं नेक्स्ट तुमको बुझे दूसरी केमी जे आप सारे ये गुड़ाक कहीदे केमी है देख आम कहले जे 1% आम प्रथम ये कहले 1%टा जो कहले 1%टा केमती है 1 × 1/100 ये कही तुमको परसेंटेजा पकईदेव ताने 1/1% 1% मान कौन 1/100 या ना ना आम भैल्यू के आसगला ना ये कौन दे 1/100 दे नेक्स्ट आम कह सार 5% मझे मझे नहीं कि तुमको बुझे दूसरे तमाने 5 × 1/100 किंबा डायरेक्ट आम भी 5/100 लिखिपर आमर प्राक्ट होगा डायरेक्ट भी लिखिपर ताने ये आम कतला 5 का दि 5 × 5 = 20 1/20 5% जी 1/20 पाइल नेक्स्ट आम देखीद जे यो तुम आम कहे 8.33टा यहीटा गोटे भग्नांश देख 8.33% ओके तो देख 8.33% आमको देदेला ताने आम ये दशमिकटा को बदल 833/2 शून ताने 1 × 2 शून × 1/100 ताने के देख आम जो भग्नांशा को गुणी दे परसेंटेज आमको देसी ताने 833/1 के शून ना 4 × 0 ताने 833 वन जी एटीला के ना 833 10,000 ये आमको दे 833 10,000 तो आपको जब देखा आम गोटे सेकेंड 833 × पखापाखि तुम्हें जब देख यू भैल्यूटा तुमको दे तुम के ना 1/12 आसीज है 9,996 तुम हो 833 कि ये 33 रु टेटा अधिक हम 8.33 रु टेटा अधिक हम जो कि डायरेक्ट डिवाइड ना भी तुम भैल्यू के भैल्यू 1/12 पाखापाखि आसीज यही भैल्यूटा आसो बुझिपाल कि यहाँ के हम ना यहाँ जी तुम 9,996 एति की हवा कथा है कि जेहतु पाखापाखि अच्छे यहाँ खाली 33 नुह आप भी टी अधिका थी प्लस टी आड अच्छे तो से मुझे लिखीदे ठीक अच्छे तो ये तुम जमी देखा 12.50 देखी ना 12.50 आउ गोटे एग्जाम्पल ना नेक्स्ट को आम जा 12.50% आमको दे दीजिए यहीटा देख ताने 1250/100 एस नो × 1/100 ताने 1250/10,000 ताने ये के ना ये डिवाइड कर दिया 10,000/12.50 ताने ये 8 पूरा ही कटिजी 1250 1/8 आसीगला भैल्यू 1/8 देसी ना ना सेमती जो भी तुम टे पाने जो ए जमी है 8.33 तुम पाखापाखि भी नहीं कि कैलकुलेट कर पार कि भी आदि मैंने कौन भाविवार बेस ना जो कमी कौन हो भाया आउ जो भी रहा तुम जो गुड़िक भी रहा सेमती 8.83.33 ये सब सल्व कले भैल्यू ही पड़ो डिवाइड करदे यही भैल्यू पड़ो तेणु ये सब कुछ बेसी आज किसी भाव जमी है यू कर आ गए 100 ऊपर नहीं कि करदे 150% नहीं जाऊँ आम जो पढ़ले 150% देख कौन कहले ना आम 150% कहले 150% ताने 150 150 100 है ना 150/150 काटि 50 × 150 = 3/2 भैल्यू हम दे 3/2 यस दे मैंने ठीक अच्छे ये बढ़िया सब पूरा सल्व कले बाहर इजिली बाहर जी पाने ये जो 30.33 यहाँ पूरा सल्व हम कि जहाँ भी टी बढ़ रही है तो से भाया टेबुलटा टी मन रखी थी जो मैंने भी स्क्रीनशॉट नहीं रखा चाहो नहीं रखीदेव टी ओवरलुक कर देव एग्जाम को जीवा पूर्व ठीक अच्छे नेक्स्ट आम जा पाने देख फास्ट क्वेश्चन आम आसला ये जो क्वेश्चन गुड़िक अच्छे या सर्ट्रे पूरा करवा सर्ट्रे तेणु ये सब बुझेदे तुम पूर्व एवं आज सर्ट कले कहीं कहबन से सर आप जल्दी जल्दी सर्ट सर्ट किद पूरा इजिली देख क्वेश्चन कौन दे डिफरेन्स बिटवीन 20% अफ 172 एंड 20% अफ 272 जे 172 20 परसेंट आई 20 परसेंट आरि भितर डिफरेन्सटा पचार तुमको ताने प्रथमटा को सल्व जब कर 20% अफ 172 जदि 172
ट्वेंटी परसेंट माने कोड़े बाय शहे इक्वाल्स टू के काटि जीरो जीरो एटी वन एटी फाइव हो मैंने वन सेवेन्टी टू बै फाइव इक्वाल्स टू थर्टी फोर पॉइंट फोर आस वैल्यू देन पचार कौन ना आम दुईश बास्तरी ट्वेंटी परसेंट कोड़े बै शहे सेम कथा काटि वन बै फाइव ये आस वैल्यू तमाने दुईश बास्तरी बाय पाँच एटी के ना ये जी काटद कोड़े पांच पंचा पचीस बैश पांच कोड़े चार फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव तमें डिफरेन्सटा के हम ना फिफ्टी फोर पॉइंट फोर माइनस थर्टी फोर पॉइंट फोर इक्वाल्स टू ट्वेंटी तो कोड़े हिं डिफरेन्स हम अप्सन एटी टू एटी हो रईट आनसर जोटा कि टू हम ये रईट आनसर ठीक अच्छे बुझीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख एबे जो क्वेश्चन तुमको पचारा द डिफरेन्स बिटवीन फोर्टी परसेंट अफ ए नंबर एंड थर्टी थ्री परसेंट अफ द सेम नंबर इज टू एटी सिक्स ह्वाट इज द फिफ्टी फोर परसेंट अफ दैट नंबर यही भाया क्वेश्चन तुम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे कहि एक्जाम यही क्वेश्चन ही एक्जामिनर तुमको पकेबे जे जो भी डिफरेन्सटा के ना गोटे नंबर चौरालीस परसेंट आउ कौन ना से नंबर आमर कौन थर्टी थ्री परसेंटेज भितर डिफरेन्सटा था ता भितर जो डिफरेन्सटा मैंने फेड़देले दुई सौ छयासी होता से ही संख्याटार चौवन परसेंटेजा के मैंने ये कौन करवा ना आम आग परसेंटेज देना ये एक्स नहीं कि भैल्यू टे पकईदे बुझापी ये लिखुची देख जे ये कहला एक्स रक्स न ना ये जो नंबरटा एक्स चौरालीस परसेंट चौरालीस बाय वन हंड्रेड या माइनस एक्स रेतीस परसेंट थर्टी थ्री बाय वन हंड्रेड इक्वाल्स टू टू एटी सिक्स या देजी ता माने आम कहीपर ये कौन ना आम जी एक देखने जे फोर्टी फोर्टी फोर एक्स बाय वन हंड्रेड माइनस थर्टी थ्री एक्स बाय वन हंड्रेड इक्वाल्स टू टू एटी सिक्स ता मैंने तल नहीं जाओ लस आगे वन हंड्रेड फोर्टी फोर एक्स माइनस थर्टी थ्री एक्स इक्वाल्स टू टू एटी सिक्स एटी गले के चौरालीस रु तेतीस इलेवेन एक्स इक्वाल्स टू वन डिवाइड बाय वन हंड्रेड टू एटी सिक्स मैंने एक्स के हम एटी एक्सटा के हम ना टू एटी सिक्स इंटु वन हंड्रेड डिवाइड बाय इलेवेन यह हम ना नहीं एटी अठाईश टू एट सिक्स डबल जीरो डिवाइड बाय इलेवेन हरिदि को टू एटी सिक्स डबल जीरो डिवाइड बाय इलेवेन तमें ये केत ना ये आम छबिशार आंसर टू सिक्स डबल जीरो ये ही भूल करते पे अधारे ही छाड़ दिखते ये आउ गोटे क्वेश्चन भी ये ह्वाट इज द फिफ्टी फोर परसेंटेज अफ दिस नंबर ता मैंने तुम्हें बाहर करा कौन दे ना ये तुमको बाहर करने को से संख्यार चौवन परसेंटेज ता मैंने छबिश चौवन परसेंटेज मानने चौवन बै शहे काटि चौवन इंटु छबिश चौवन को छबिश गुणीदब के हम ना चौदहश चार हम आंसर ऑप्शन टू ऑप्शन टू आमर ऑप्शन बी भी कहीपर हम राइट आंसर योटा चौदहश चार है बुझिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की जी इफ ट्वेंटी परसेंट अफ एक्स इज थर्टी जे एक्स ट्वेंटी परसेंट के ना थर्टी वाई थर्टी फाइव परसेंटा है सेवेन्टी ताल एक्स प्लस वाई रैल्यूटा केटा ही पचार मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन टाइप डिस्कसन करुँच सबुगुड़ इंपोर्टाट इंपोर्टाट टाइप तेणु केवे भी एगुड़ाक नेग्लेक्ट कर छाड़ी जी ताने ट्वेंटी परसेंट अफ एक्स यहाँ एक्स ट्वेंटी परसेंट फास्ट देखीद एक्स ट्वेंटी परसेंट कोड़े बै शहे है इक्वाल्स टू थर्टी या देखने एक्सटा के एक्स इक्वाल्स टू तीस इंटु वन हंड्रेड बै ट्वेंटी या हो काटि तमें केहे तीर तीन शह बै दुई इक्वाल्स टू देश बाहरी गला गोटाएर भैल्यू देन आम सेम देखने एक्स सॉरी वाई थर्टी फाइव परसेंटेज इक्वाल टू के ना सेवेन्टी ता मैंने ये आम कौन करवा वाई के सतुरी गुणन शहे बाय पैंतीस पैंतीस दुणे के दुईश आसीगला ये भैल्यू ता मैंने एक्स प्लस वाई ता मैंने एक्स प्लस वाई इक्वाल्स टू वन फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड थ्री फिफ्टी अच्छी ना नहीं अच्छी ऑप्शन वन पाइल आंसर केमती होते इजिली करे आपको तो तुमने मुँह में ही कर एक्स परसेंटेज अफ ट्वेंटी ता मैंने एक्सट्रा भैल्यू के
150 ହେଇଯିବ 30 ଯୋଉ ହେଲା ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ନେଇ ତମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦେବ ଏ ଲାଇନ୍ଟାରେ ଏ ଲାଇନ୍ଟାରେ ବାହାରିଯିବ ତମକୁ ଏତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୁଝୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲା ଯେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ତମର କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଟୁ ନମ୍ବର୍ସ ଇଜ୍ 1460 ଯେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲା କେତେ ନା 1460 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମକୁ ଯଦି 4% ଅଫ୍ ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ 80% ଅଫ୍ ଆନଦର୍ ନମ୍ବର ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ବୋଥ୍ ନମ୍ବର ଯେ ତମକୁ ପଚାରିଦେଲା କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କେତେ ନା 1460 ଯେ ଗୋଟେର 4% ଆଉ ଗୋଟେର 80% ଯେଉଁ ବି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେବ କୁହ ଏଇଟା ହିଁ ପଚାରୁଛି ତା ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିନେବା ଯେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆଗ ଦେଖିନିଅ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ଯେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କେତେ ନା 1460 ଗିଭେନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ତମକୁ ଏଠି କ'ଣ ନା ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମର 4%ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେବ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମର ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବରର ଫାଷ୍ଟର 40% ଯଦି 4% ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡର କେତେ ଦେଇଛି ନା 8% ସେକେଣ୍ଡର 8% ଏୟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ରହିବ ତା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆମକୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ତା ମାନେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଧରିନିଅ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1460 ଏସନ୍ ନୁ ତା ମାନେ 4% 4% ଯେଉଁ ବି ରହିଲା ଆମେ ଧରିନିଅ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଧରିନିଅ ଏଇଠି ଏକ୍ସ ବାଇ ଯେଉଁ ବି ଆମର ହେଲା ଏକ୍ସ ବାଇ 25 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2y/25 ସମାନ ହେଇଯିବ ଦୁଇ ଗୁଣା ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ହେଇଛି ତାମାନେ ଏକ୍ସ ବାଇ 25 ଯେଉଁଟାକ ହେବ ସେଇଟା 2y/25 ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣା ହଁ ନା ନାହିଁ ତାମାନେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2y ଏ ଆମର ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏକ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ ପୁଟ୍ କରିଦେବା କେଉଁଥିରେ ନା 2ରେ କରିଦେବା ତାମାନେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 2y-y କେତେ ହେବ ନା 2y-y ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1460 ମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁଟାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଟୁଟା ହେଲା ଏଇଟା ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ହେଲା ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ କେଉଁଟାକ ହେଲା ନା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ହେଲା କେଉଁଟାକ ଆମର ନା ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଏ ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଏ ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ହେଲା ତ ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ କରିବା ନା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁଟାକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରେ ପକାଇଦେବା ଏ ଆସିଯିବ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଓକେ ତାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବା ୱାଇ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ୱାଇ ହେଇଯିବ 1460 1460 ଏଠି ହେଇଯିବ କେତେ ହେବ 1460 ଗୁଣନ କେତେ ନା ଇଣ୍ଟୁ ଏକରେ ଟୁ ହେଇଯିବ ଏହା ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଠି ଆମେ କହିଥିଲେ ନା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2y ଏ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ତାମାନେ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ 2960 2920 ଷାଠିଏ ନୁହଁ 6×12 2920 ତାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଲେ କେତେ କେତେ ନା ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ 2920 ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପକାଇଦେଲେ କେତେ ନା ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଇଟା 2920 କେତେ କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ନା ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା ଏଇଟା ୱାଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇଟା ୱାଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ୱାଇ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଯେଉଁ ଏଇ ୱାଇ ଏଇଠି ଯେଉଁ ୱାଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ କେଉଁଠି ନା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇଛେ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ତାମାନେ 2920 ଗୋଟେ ହେଲା 1460 ବୁଝିପାରିଲ ନା ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବି ଦେଖ ମୂଳରୁ କହିଦେଉଛି ତମକୁ ଯେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଇଦେଇଛି 1460 ହେଲା ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ବି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କାଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଥିବ ଯେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ତମକୁ 1460 ତାର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଇଦେଲା ଗୋଟେ ନମ୍ବର 4% ଆଉ ଗୋଟାକର 8% ତାମାନେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆମେ ନେଇଗଲେ 1460 ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର 4% ସେକେଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାର 8% ତାମାନେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯଦି ଏକ୍ସ ୱାଇକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ 1460 ହେବ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରେ ଆମକୁ କହିଦେଲା ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏଫ୍ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟର 40% ତାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ୍ସ ବାଇ 25 ଯିଏ 2y/25 ଆର ଯଦି ଦ୍ୱିଗୁଣା ଏଠି 8% ହେଇଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ତ 8% ଯଦି ଏଠି ଅଛି ତାର ୱାଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଅଧା ହେଇଯିବ 8% ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ 4% ଯେତିକି ହେବ 8%ଟା ସରି 8%ଟା ତାର ଅଧା ହେବ ନା ନାହିଁ ହାଫ୍ ହେବ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାମାନେ 2y/25 ହେଇଯିବ 8% ଯିଏ ଲେଖିପାରିବା ତା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଗଲେ ନା ଏଠି ଯଦି ପାଇଯିବା ଆମେ
एक्स इक्वाल टू के टू वाई एटी आम पाइल इक्वेशन टू ता मैंने ये आम कौन करवा ना इक्वेशन टू जो रहा जे टू वाई रहा जो एक्स जगह आम कौन कले आम इक्वेशन टू रे इक्वेशन वन वैल्यू पकईदे एक्स माइनस वाई ताने कौन एक्स जो पकईदे मैंने एक्स रहा वाई रैल्यू के चौदहश षाठी आसीगला वाई रैल्यू के इंटू टू करके अंतरीश कोड़े हो गला ठीक अच्छे पाईगला आंसर एक्स है अंतरीश कोड़े वाई है के आमर चौदहश षाठी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा इफ 30% अफ एक्स माइनस वाई इक्वाल 20% अफ एक्स प्लस वाई व्हाट परसेंटेज अफ एक्स इज वाई ये देख बुझापी ये गोटे कथा रहा जे 30% अफ एक्स माइनस वाई इक्वाल 20% अफ एक्स प्लस वाई ताल एक्स आ वाई रो गोटा कहला एक्स व्हाट परसेंटेज अफ एक्स इज वाई एक्स रत परसेंटेज है वाई या पचार ये देख कमी करवा जे आमको फास्ट रेदेला जे 30% अफ एक्स माइनस वाई 30% मान एक्स माइनस वाई रते ना 30% मान 30/100 केक्स प्लस वाई रसेंट मान 20/100 या मैंने जी आम ये सल्व करवा देख ये शून शून काटि एटी भी काटिदि ये ना 1/5 होते थ्री बाय एटी नहीं जा 3/10 भी यहाँ को नहीं जावा ता माने एक्स माइनस वाई इंटु एकड़ सेकड़ आम जी करदे ये देख एक्स माइनस वाई एटी एकर को नहीं आस जो मल्टीप्लाई एटी ये जो देखो एक्स माइनस वाई इंटु तीस बाय धर तीस ना ये आम तीन हो जाए ना काटे 3/10 एकुर को जब ये 1/5 एकुर नहीं आसा के ना 5/1 हो फाइव खाली होता मैंने एक्स प्लस वाई या ये एकुर को नहीं आसे मैंने एटिकी जो एकुर को नहीं आसिले काटिद सागे सांगे पांच दुणे 3/2 ता मैंने एक्स माइनस वाई यहाँ के 3/2 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एकुर को देख यो जिनसाला आम जी एटा भी लिखिपर एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय थ्री रखिकी एकुर को जब नहीं जावा एक्स प्लस वाई इंटु के ना ये हरा मैंने ये गुणाइल के इंटु टू यहाँ मैंने 3x-3y इक्वल्स टू 2x+2y यह हम ना नहीं एक्स एक्स एकुर को नहीं आस 3x-2x इक्वल्स टू 2y+3y इक्वाल्स टू के ना एक्स इक्वाल्स टू 5y ये आसो भैल्यू ना नहीं एक्स इक्वाल्स टू 5y ता माने जदि आम एटी जदि देखीदबा के एक्स पचारि अफ एक्स ता माने मु तुमको पूर्वर आरंभ बेले कही जो आम परसेंटेज रे कन्वर्ट करवा तुमको एक्सटा सदापी तले रही अफ एक्स दे मैंने एक्स तले रई बाय एक्स जिते होते ना वाई बाय एक्स जिते वाई रैल्यू ये कहीं ना यहाँ एकुर को जिते आस वाई अच्छी एकुर को आसिले यहाँ होते ना ऊपर होमर ये फाइवटा आसे परसेंटेज भी आम कन्वर्ट करवा एक्स बाय वाई जोटा आमर है मैंने ये के आमर वन बाय फाइव ता माने परसेंटेज रे कन्वर्ट कले 1/5 इंटु 100 इक्वाल्स टू 100/5 इक्वाल्स टू 20% एमती ही बाहर तो 20% अच्छी अच्छी कौटी ना ऑप्शन टू रे आमर दे 20% बुझिपार 20% कौटी ना ऑप्शन टू रे ओके सॉल्व।
नेक्स्ट देखिबा ए जो क्वेश्चन गड़ी का तुमको देली एटा तुम पई कि होमवर्क होमवर्क एटा तुम पई रहिला ए क्वेश्चन ए जो गोटा का एटा रहिला एटा देखो ए जो टाइप रो तुमको क्वेश्चन दे जो परसेंटेज तुमको दे छि इजीली हि जइबो लाइन ने गोटे लाइन ने केमदी करबो 75% ऑफ 480 480 रो 75 बाय 100 या दे छि 0 0 काटि दियो 5 रे काटले 5 15 पंचा 5 रे काटले 2 2 रे काटि दियो 2 2 4 2 24 के 15 रे गुणी देले केते हि जइबो ना 24 की 15 रे यदि गुणी दबा हमरो 360 हि जइबो 360 देन आमे देखि दबा 750 रो 48% 750 इनटू 48 बाय 100 0 0 कटिला एथि 2 रे काटि दियो 2 रे काटले 5 2 रे काटले 24 दुने 48 24 ता माने एथि काटि दियो 15 5 75 15 इनटू 24 15 इनटू 24 15 इनटू 24 360 ता माने दिटा जक मिसै दबा 360 360 720 ऑप्शन 4 हला होमवर्क एटा त माने पई रहिला आउ जो भी क्वेश्चन रहिला एटा तमरो होमवर्क मते कहिबो कमेंट सेक्शन ने जणैबो जो क्वेश्चन एट क्वेश्चन नंबर कि भी करि दउची एटा क्वेश्चन नंबर केते ना 1 एटा तमनो पई एटा रहिला क्वेश्चन नंबर 2 तमनो पई ए दिटा हला तमरो क्वेश्चन एटा रहिला क्वेश्चन नंबर 3 आकु प्रैक्टिस त माने करिवो कोन आंसर आछि मते कहिवो नेक्स्ट क्लास रे मु डिस्कशन करबि ठीक अछि ए जो क्वेश्चन गुडी क तमरो रहिला एटा नबा क्वेश्चन नंबर 4 तमको 5टा क्वेश्चन मु तमको देबि एटा क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन अछि गुटिया गुटिया ता भीतर डिफिकल्ट अछि एति क्वेश्चन 5टा क्वेश्चन तो पिला माने क्लास टी जदि भलो लागिछि निश्चिंत भाबे क्लास टी को गोटे लेखा लाइक निश्चिंत भाबे करिवो कमेंट तो करिके ही जीवो आ जो माने आंसर दबा कथा कमेंट रे ही आंसर मते दे देबो जहाँ भी डाउट रहिला तमरो जहाँ भी डाउट तमरो से सब डाउट कमेंट रे ही पचारि परिवो कमेंट रे ही तमको आंसर देबि किंबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी क्लास हबो ता देर तमको आंसर मिलि जीवो शेयर समस्त करिवो सेशन टी को शेयर निश्चिंत भाबे करिवो आउ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देव जहाँफल कि सबकि इनफर्मेसन क्लास रिगार्डिंग पाइपर आउ टेलीग्राम रे निश्चिंत भाव जॉइन हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाई फेसबुक रहिला इंस्टाग्राम रहिला आउ ट्विटर बा एक्स रहिला सबुर लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छी निश्चिंत भाव जॉइन हो तो क्लास टी जब भल लगी निश्चिंत भाव गोटे ना कमेंट कर क्लास टी के लगेगा परसेंटेज रो तो ये पे क्लास टी शेष करवा रही थैंक यू सो मच।